हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात जब हम करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसके स्ट्रक्चर में हम क्या भरते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ आप भरेंगे बीइंग, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस और करेंगे सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, सिंस फॉर ऑल और प्लस टाइम। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी मैं कहने का मतलब है आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरते, उसमें क्या भरेंगे, हैज बीन प्लस हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी भरेंगे, या भरेंगे हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ध्यान में इतनी बात रखनी है कि हैज कहाँ लगाते हैं, हैज अपने लगाते हैं ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, क्योंकि उसमें एस आया हुआ है, इसमें एस आया हुआ इसलिए हैज कहाँ लगाएंगे, ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। हैव कहाँ लगाएंगे, आई यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन आती है तो उसके साथ हैव लगाएंगे। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है, इस टेंस का यूज, यानी कोई एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ, कोई एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है, यानी एक्शन कोई भी काम है वो हमने भूतकाल में शुरू किया और अभी भी जारी है, उसको बताने के लिए अपने को क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। याद रखना है आपको, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे से बरसात हो रही है। अगर एक सेंटेंस अपने यूं लूं कि इट इज रेनिंग, आपको मैं वहां ले जाऊं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इट इज रेनिंग, इज रेनिंग, इट इज रेनिंग मतलब बरसात हो रही है। यहां पर बरसात कब से हो रही है इसका कोई पता नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है, बस यही बता रही है। इट हैज बीन रेनिंग का मतलब बरसात 2 घंटे पहले शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है। तो ध्यान रखना है, जब टाइम नहीं दिया होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और जब टाइम दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको आप थोड़ा सा डिफरेंस को बड़ा ध्यान से समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए देखिए आपको ये लिखा है डोंट लाफ, डोंट लाफ आई स्टैंडिंग, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस ये है आई स्टैंड, आपको ब्रैकेट में दिया है, स्टैंड आपको ब्रैकेट में दिया है, सो आई सिटिंग। अब ये दोनों सेंटेंसेस में देखिए, डोंट लाफ आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं, हंसो नहीं, यहां पर आई एम स्टैंडिंग कहेगा, आई एम स्टैंडिंग, और सो आई एम सिटिंग, मैं बैठ रहा हूं क्योंकि मैं 2 घंटे से खड़ा हुआ हूं, हैं बहुत देर से खड़ा हुआ हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, हैव बीन स्टैंडिंग का यूज करना है, आई हैव बीन स्टैंडिंग, सो आई एम सिटिंग, बहुत देर होगी मुझे खड़े हुए इसलिए मैं बैठ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें टाइम का मेंशन नहीं होता, बट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें टाइम का मेंशन होता है। बस इतना सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे आपको यह दे दिया, लुक लुक समबडी, लुक somebody on the road,
एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस आपको दे दिया है, समबडी ब्रैकेट में लिखा है आपको सिट आर ऑन द रोड फॉर 2 आवर्स। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में टाइम नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहां इज सिटिंग ये भरेंगे, लेकिन यहां पर फॉर 2 आवर्स की बात कर रहा है, 2 घंटे से बैठा हुआ है, तो somebody के साथ हैज लगाएंगे, हैज बीन सिटिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बात एक ही ध्यान में रखनी है, इसमें 2 प्रकार के टाइम का यूज किया जाता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। इन 2 प्रकार के टाइम का इसमें यूज किया जाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब टाइम की गिनती, कैसे, फॉर 1 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर मंथ्स, इस तरीके से टाइम की गिनती होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम की गिनती नहीं होती, इसमें सिंस का यूज किया जाता है, since 9 o'clock या 9 AM, since 9 AM 9 बजे से, यानी पूरा घड़ी का समय होता है, इसमें यह नहीं होता कितने मिनट है कितने वो, नहीं ऐसा नहीं है। इसी तरीके से since his birth, since 1986, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर यूज होता है। सॉरी, इसमें ऑल का भी यूज किया जाता है, सिंस फोर के अलावा इसमें ऑल का भी यूज किया जाता है, ऑल डे पूरा दिन, ऑल नाइट पूरी रात, हाँ, ऑल द ईयर पूरे साल, इस तरीके से ऑल का यूज भी इसमें किया जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब अपने इसके सेंटेंस देखते थे, क्योंकि एग्जाम में आपको सेंटेंस ही दिए जाते हैं, तो सेंटेंस के अंदर आपको अच्छी तरह से वर्ब यूज करनी आनी चाहिए। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब अच्छी तरह यूज नहीं करनी आती, चाहे आपको कितना ही नॉलेज है, आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया, इट ब्रैकेट में दिया है, रेन सिंस 4 o'clock, ये दिया हुआ है, इट रेन सिंस 4 o'clock। अब सिंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट की कोई पहचान इसमें है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आ जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग, ऐसे आपको सेंटेंस के अंदर भरना है। जैसे आपको दिया है दे और आपको ब्रैकेट में दे दिया है लिव, दे लिव इन बांसवाड़ा, दे लिव इन बांसवाड़ा सिंस 1947, ये आपको दिया है। यहां देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंस, और कोई पास्ट की पहचान नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसके अंदर आप क्या भरेंगे, हैव बीन लिविंग, ये भरेंगे, क्योंकि इट के साथ हैज लगता है और दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव बीन लिविंग। इसी तरीके से आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए कि आई स्टडी इंग्लिश ऑल द मॉर्निंग, आई ब्रैकेट में आपको दिया है स्टडी दिया है ऑल द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह मैं पढ़ता रहा, इसका मतलब ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हैव बीन स्टडिंग, ऑल आया है ना,
हैव बीन स्टडिंग। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आ जाए, ऑल का भी यूज हो सकता है, फॉर का भी यूज हो सकता है। जैसे आपको दे दिया जाए द पेशेंट, ब्रैकेट में आपको दे दिया जाए इम्प्रूव, पेशेंट इम्प्रूव स्टेडिली स्टेडिली ऑल द वीक। अब यहाँ सिंस फॉर नहीं है, बट यहाँ ऑल का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब पेशेंट सिंगुलर होता है, सिंगुलर है पेशेंट, तो हैज बीन इम्प्रूविंग। इस तरीके से आप इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जो अब हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी जैसे इसमें हैज का यूज कर रहे थे, इसमें हैज का यूज कर रहे थे प्रेजेंट में, इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हम हैज और हैव की जगह हैड का यूज करेंगे। यानी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इस वर्ब का अपने फिलअप करेंगे, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। और इसके साथ बता देता हूं, इसके साथ वही सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक आल और प्लस कोई ना कोई टाइम होगा, और टाइम पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। और एक बात आपको याद रखनी है इसके अंदर, एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई पास्ट का एडवर्बियल होगा, एडवर्बियल होगा या पास्ट का कोई टाइम क्लास होगा, ऐसी कोई ना कोई इसमें पहचान होगी, क्योंकि सिंस फॉर ऑल तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होते हैं, लेकिन यहां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस फॉर ऑल होते हैं, दोनों में सिंस फॉर ऑल होते हैं। बट अपने को पता कैसे लगाना है ये तो अपने को देखो जब हम सेंटेंस लिखेंगे तभी पता चल पाएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है इसके अंदर, यानी भूतकाल में काम शुरू हुआ और भूतकाल में ही काम जारी था, यानी पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी था, डीप पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू था, उसके लिए अपने इसका यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, व्हेन व्हेन ही केम आई, आपको दे दिया ब्रैकेट में वॉच, आई वॉच, उसके बाद आपको दिया टीवी फॉर टू आवर्स। अब देखिए, अब यहां लिखा है फॉर टू आवर्स, इससे तो पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बट कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, इस बात को कैसे डिटरमाइन करेंगे? इस बात को ये डिटरमाइन कर रहा है, केम सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट सिंपल की पहचान आ रही, पास्ट सिंपल दिया हुआ है ना सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट है और इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हमें क्या भरना है, हैड बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग, तो हमने जो वर्ब की फॉर्म भरनी है वो हैड बीन वॉचिंग भरेंगे। ओके, इसी तरीके का एक सेंटेंस और देखिए, व्हेन ही केम आई वॉच वेरी टायर्ड। ओके, और आपको ये दे रखा है ब्रैकेट में वर्क, ठीक है ना, ऑल डे। अब यहां दिख रहा है कि ऑल डे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, ऑल टाइम से पहले ओल आया हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, लेकिन प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये पास्ट की देखो यहां केम सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, वाज पास्ट में आता है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या भरेंगे, हैड बीन वर्किंग। ओके, तो इस तरीके से अपने इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये काम कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के अंदर अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको एक ही बात का बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में एक्शन शुरू हुआ,
और प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है ना। और पास्ट परफेक्ट में दोनों एक्शन जो है, एक्शन शुरू भी पास्ट में हुआ और कंटिन्यू भी पास्ट में ही था, कंटिन्यू भी पास्ट में ही था। तो इसलिए अब एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसे आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे आपको ये दे रखा है, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये दे रखा है। और इसके अलावा आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ऑन मंडे इट हैड बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 आवर। अब देखिए, पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें क्या है, इट हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो सी जो है वो अभी भी प्ले कर रही है और उसने पास्ट के अंदर प्ले करना शुरू किया था। कहने का मतलब प्ले करने का जो एक्शन हुआ था वो पास्ट में शुरू हुआ था, भूतकाल में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसलिए इसमें ये है। और यहां देखिए, ऑन मंडे, मंडे को बरसात हो रही थी पिछले 1 घंटे से, इसका मतलब मंडे भी पास्ट में था और एक्शन भी पास्ट में था और पिछला 1 घंटा भी पास्ट में था। मंडा लास्ट मंडे, और लास्ट मंडे के दिन 1 घंटा पहले, मतलब डीप पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में एक्शन कंटिन्यू था। तो इसका कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें एक्शन पास्ट के अंदर ही शुरू होता है और पास्ट में ही कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपने यूज कैसे करेंगे। तो इसके अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ये अपने देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। तो कैसे आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर, देखिए, ही ब्रैकेट में आपको दिया है वॉक, ही वॉक फॉर 6 आवर्स when they found him। अब इस सेंटेंस में देखिए 4-6 आवर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, लेकिन यहां पर एक बात फाउंड दिया है, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, इसका मतलब ये पास्ट का है, पास्ट सिंपल है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग अपने इसमें हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, तो क्या आएगा, हैड बीन वॉकिंग। ओके, आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दे, और आपको ब्रैकेट में दिया है सर्वे, दे सर्वे फॉर 6 इयर्स बिफोर दे स्ट्रक गोल्ड, बिफोर दे स्ट्रक गोल्ड। अब स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक सेकंड फॉर्म है यहां पर। वो सर्वे कर रहे थे गोल्ड को प्राप्त करने से पहले, जब उनको गोल्ड होने का निशान मिला तो उससे पहले, ये बिफोर क्या है, टाइम क्लाज है और पास्ट का टाइम क्लाज है, पास्ट वाला है, इसलिए यहां 4-6 इयर्स क्या है, सिंस फॉर ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या भरेंगे, हैड बीन सर्वेइंग, हैड बीन सर्वेइंग। ओके, अब आपका आंसर इसी तरीके से सही होना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर जो मार्क्स हैं वो फुल में से फुल आए। नेक्स्ट देखिए, सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेड दैट सी, और ब्रैकेट में दिया है आपको लिव, ब्रैकेट में लिव इन दैट हाउस, इन दैट हाउस सिंस 2001। अब यहां सिंस 2001 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन सेड सेकेंड फॉर्म है से की, इसका मतलब ये पास्ट में है, पास्ट में है मतलब हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग। ओके, तो इस तरीके से आपको टेंस देखना है कि टेंस उसमें आया कौन सा और हम क्या भर रहे हैं। जैसे सी, अब ब्रैकेट में आपको दिया है सर्व, ठीक है ना,
this college. She served this college for 20 years before she retired. अब देखिए, before she retired ये past का clause है, retired second form है ना, past है. Before ये time clause कौन सा है? Past का time clause है, इसलिए यहां पर देखिए for 20 years perfect continuous बता रहा है, retired क्या बता रहा है? Past बता रहा है, इसका मतलब past perfect continuous है. Had been serving. तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो फिलअप करेंगे पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अपने इसका यूज करेंगे. अब इसी तरीके से आपको, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो बहुत जरूरी है. अगर हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, दिक्कत आती है. फिर हमें दिक्कत आती है, कौन सी दिक्कत आती है, हमें याद रहने वाली दिक्कत आती है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने प्रेजेंट में क्या पढ़ा, हैज बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा हैड बीन, हैज हैव की जगह हैड हो गया. अब फ्यूचर में क्या होगा, विल या शेल. ध्यान रखना है फ्यूचर के अंदर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है विल शेल ही होती है. इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बीन और प्लस लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और प्लस लगाएंगे आईएनजी. और मैं एक बात और बता देता हूं, ये तो आपको भरना ही भरना है, इसके अलावा इसमें सिंस फॉर ऑल ये भी आएगा. और इसके अलावा इसमें क्या आएगा, इसके अलावा इसमें आएगा by, before, till, और इसके अंदर by, before, till के साथ में time आएगा. कौन सा time आएगा ये देखना, दो बार इसमें time आता है, will, shall, have been, first form plus ing, since, for, all, by, before, till के साथ time आता है. तो इस ऐसा कोई sentence है, ये इसमें क्या होता है, कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में ही जारी रहेगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा एक विशेष टाइम के लिए, ठीक है ना. और कई बार इसमें क्या होता है, एक टाइम क्लॉज दे दिया जाता है. कौन सा टाइम क्लॉज दे दिया जाता है, कौन सा टाइम क्लॉज, प्रेजेंट का टाइम क्लॉज दिया होता है. प्रेजेंट टेंस का कोई भी टाइम क्लॉज दिया जाता है तो भी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो भी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है कि हमें जो दिया गया है वो सही है कि नहीं. देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझाएंगे. When he arrives here, ओके, दे, अब दिया है ब्रैकेट में आपको प्ले, they play since three o'clock. अब ये देखिए, when he arrives, when time conjunction है और he arrives present simple tense है. Present simple में time clause है, time वाला उपवाक्य है. तो यहां since 3 o'clock, since 4 का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब perfect continuous है. ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहां पर प्रेजेंट का क्लॉज है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरेंगे. दे के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन प्लेइंग, विल हैव बीन प्लेइंग. इस तरीके से आपको ये यूज करना है, विल हैव बीन प्लेइंग. ओके, व्हेन ही अराइव्स दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock. ओके, इस तरीके से आप कर लेना. नेक्स्ट है एक सेंटेंस और देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, By the end of this month, we, ब्रैकेट में आपको दिया है work, ब्रैकेट में आपको दिया है work here for 2 months, ये दिया है. यहां for 2 months क्या कह रहा है, perfect continuous tense की बात कर रहा है. और by the end of this month, by, before, till,
देखिए हमने कहा सिंस फॉर ऑल भी आएगा और बाई बिफोर टिल में से कोई एक आएगा, यहाँ बाई आया हुआ है, यहाँ सिंस और फॉर में से एक आया हुआ है, दोनों चीज आ गई, तो इसमें शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ आपको पता क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन वर्किंग। इस तरीके से आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप और देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल और देखिए। जैसे आपको दे दिया जाए, आई एज अ प्रिंसिपल फॉर 5 years by the end of 2025। अब इस सेंटेंस में देख लिए बाई आया हुआ है टाइम से पहले, और इधर टाइम से पहले फोर भी आया, दोनों बात आ रही ना, बाई भी आ रहा है और फोर भी आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आई हैव बीन और ब्रैकेट में आपको दिया है वर्क, तो वर्किंग, हैव बीन वर्किंग नहीं आएगा, गलत, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें, तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो क्या आएगा, विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग। आई के साथ विल भी लगाते हैं और शैल भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, तो आई विल हैव बीन वर्किंग या आई शैल हैव बीन वर्किंग, विल भी मान्य है लेकिन आई के साथ ज्यादातर क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, आई शैल हैव बीन वर्किंग एज अ प्रिंसिपल फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ 2025। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी इन 12th क्लास, वी इन 12th क्लास सिंस 2023 to 2024, सिंस 2023 से 2024 तक काम करते रहेंगे, मतलब 2023 से लेकर के 2024 तक काम करते रहेंगे, यहाँ पर ही काम करते रहेंगे या आपको ब्रैकेट में दिया है स्टडी, स्टडी करते रहेंगे, इसका मतलब क्या है, सिंस टू का यूज किया हुआ है, यहाँ पर सिंस का यूज हो गया, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आगे आने वाले टाइम की बात भी ये कर रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ अगर यूं कर दे 24 to 25 हो सकता है बुक का वर्जन पुराना, 24 to 25 फ्यूचर टाइम दिया हो, कहने का मतलब, तो क्या करेंगे, शैल हैव बीन स्टडिंग, शैल हैव बीन स्टडिंग भर देंगे, ओके हम यहां शैल हैव बीन स्टडिंग भर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे और आपको दिया है फॉर एन आवर टुमारो, अब यहां पर आपको ब्रैकेट में दिया है वेट, ब्रैकेट में वेट दिया, दे फॉर एन आवर टुमारो, तो यहां पर वेट दिया है तो क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए फॉर एन आवर एक घंटे से, टुमारो क्या करा है, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब विल हैव बीन वेटिंग, ठीक है ना, इस तरीके से यहां पर विल हैव बीन वेटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका सेंटेंस अगला और है, आई ऑल डे अलोंग, ऑल डे अलोंग ऑन मंडे नेक्स्ट, अब मंडे नेक्स्ट का मतलब अगले मंडे को, ऑल डे मतलब पूरा दिन, अब यहां पर ब्रैकेट में आपको दिखा है राइट, ये ब्रैकेट में आपको दिखा हुआ है राइट, आपको राइट के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है, तो ओल्ड डे का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे भरेंगे, विल, विल नहीं, यहां आई शैल हैव बीन राइटिंग, इस तरीके से आ जाएगा आई शैल हैव बीन राइटिंग। तो यहां आप देख रहे हो कि हर बात आपको चेक करनी है, सेंटेंस को पूरा ऑपरेट करके देखना है, तो यू एग्जाम्स सिंस मार्च 2, इस तरीके से लिखा है नेक्स्ट ईयर, आप देखो सिंस मार्च 2, सिंस लगा है परफेक्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर, इसका मतलब यहां पर आपको लिखा हुआ है ब्रैकेट में टेक,
ये वर्ब बी वी है, तो आप क्या भरेंगे इसमें, भरेंगे यू के साथ विल हैव बीन टेकिंग। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो ये हुआ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपके सारे टेंसेस जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप एक बात और है कि जितने भी मैंने एक्सरसाइज बनाई है उन एक्सरसाइजेस के आप कमेंट बॉक्स में जब उस पे के ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसे सॉल्व करके देखें, आपको आंसर भी मिलेगा, आपके जो प्रश्न पत्र है वो सबमिट करते ही चेक हो जाएगा और आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा, व्यू करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से में कौन सा आंसर आना चाहिए, क्यों गलत था, ये दोनों बातें आपको पता चल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।